महाभारत के युद्ध में पांडव कृष्ण भगवान की वजह से जीत तो गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो चाहता तो पूरे महाभारत के युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता था। और उस योद्धा का नाम है बारबरिक, जिसे आप खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बारबरिक घटोटकच और नागकन्या अलहावती के बेटे थे। वो एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। बारबरिक भीम के पोते थे। भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद बारबरिक को शिवजी ने 3 खास बाण दिए जिससे वो किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। बारबरिक को अग्निदेव से एक खास धनुष भी मिला था। कहते हैं कि बारबरिक इन धनुष बाण की वजह से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अगर वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को अकेले ही खत्म कर देते। कहा जाता है कि महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण जी ने सभी योद्धाओं से पूछा कि वो अकेले युद्ध को कितने वक्त में खत्म कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि उनको 25 दिन का वक्त लगेगा। वही कर्ण ने कहा कि उनको 24 और अर्जुन को 28 दिन लगेंगे। बारबरिक ने अपनी माँ से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने बारबरिक को एक शर्त पर युद्ध में जाने की अनुमति दी कि युद्ध में जो भी कमजोर होगा, चाहे वो पांडव हो या कौरव, बारबरिक हारने वाले का साथ ही देगा। और इस वादे के साथ बारबरिक महाभारत के युद्ध स्थल की ओर चल दिए। जब कृष्ण जी को बारबरिक के बारे में पता चला तो वो बारबरिक की शक्तियों को खुद देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके बारबरिक के मार्ग में आ गए। कृष्ण ने बारबरिक से भी वही प्रश्न पूछा कि उनको महाभारत का युद्ध अकेले खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। इस पर बारबरिक ने कहा कि वो कुछ क्षण में ही ये युद्ध खत्म कर देंगे। उस वक्त बारबरिक के पास शिव जी के दिए हुए 3 तीर और सूर्यदेव का दिया हुआ धनुष ही था। श्री कृष्ण ने बारबरिक का मजाक उड़ाया कि वह 3 तीर से क्या युद्ध लड़ेंगे। कृष्ण की बातें सुनकर बारबरिक ने कहा कि उनके ये तीर बहुत खास है। और फिर बारबरिक ने कृष्ण को तीनों तीरों की शक्तियों के बारे में बताया। पहला तीर उन सभी चीजों पर निशाना लगा देगा जिसे बारबरिक खत्म करना चाहता हो। दूसरा तीर उन सभी चीजों पर निशाना लगा देगा जिसको बारबरिक बचाना चाहता हो। और तीसरा तीर उन सभी को खत्म कर देगा जिस पर पहले तीर ने निशान लगाया हो, और इसके बाद सारे तीर वापस आ जाएंगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अपनी माँ को दिए हुए वचन के अनुसार बारबरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। उस समय कौरव सेना कमजोर नजर आ रही थी और कृष्ण नहीं चाहते थे कि बारबरिक कौरवों का साथ दे। इसीलिए कृष्णा ने एक चाल चली और बारबरिक को बताया कि किसी भी युद्ध की शुरुआत में युद्ध में शामिल होने वाले सबसे ताकतवर योद्धा को अपना सिर काटना पड़ता है, और इस युद्ध में सबसे ताकतवर योद्धा बारबरिक है, इसीलिए उसे अपना सिर काटना होगा। बारबरिक ने कृष्ण की बात मान ली, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता है। कृष्णा ने बारबरिक की शर्त मान ली और उसके सर को एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया और उसके बिना शरीर के सिर को दिव्य दृष्टि भी दी ताकि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सके। जिस जगह पर श्री कृष्ण ने बारबरिक का सर काटकर रखा था, आज वहां एक मंदिर मौजूद है जिसको लोग खाटू श्याम जी का मंदिर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। थैंक यू।